जिसको योग के सुंदर अनुभव करने हैं उसे व्यर्थ बातों से मुक्त रहना होगा। बातों में भी बहुत रस है और बाबा की याद में उससे कई गुना ज्यादा रस है, लेकिन जहां बातें हैं वहां बाबा की याद नहीं। हर एक अपने से पूछे और अपने को निश्चित करके एक संकल्प दे, मुझे क्या प्रिय है, बातों में रहना या बाबा के साथ रहना। क्या लक्ष्य है मेरा, सभी अपने को संकल्प दें, बातों में रहना या बाबा के साथ रहना। बातें तो इस संसार में अनंत हैं, अनंत। हर एक की रोज की बातों के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, पर ये सभी बातें प्राय सारहीन होती हैं, अर्थहीन होती हैं। जिसको योग के सुंदर अनुभव करने हैं वो अपने से बात करके अपने को निश्चय कराकर ये दृढ़ संकल्प कर लें कि बातों में तो हजारों साल से रहते आए हैं, अब बातों में नहीं, बाबा की बातों में रहना है, उसके साथ रहना है। तो बातों से मुक्त हुई आत्मा बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव करेगी। स्मृति से संबंधित एक बात और सभी को याद करनी है। हम सभी कर्म क्षेत्र पर और युद्ध क्षेत्र पर हैं। संसार में आज तक लोग कहते आए कि किसी बड़ी सेना को हराना संभव हो सकता है, लेकिन अंदर के 5 शत्रुओं पर जीत पाना बहुत कठिन है। बाबा ने इस कठिन को सरल कर दिया है। आते ही हमें 2 बात याद दिलाई, सभी अब याद करेंगे उन बातों को, बहुत गहरी फीलिंग में चलेंगे। दोनों बातें हैं, रोज बाबा की मुरली में आ रहा है आजकल भी, कल्प कल्प तुमने माया को जीता है। अपने को याद दिलाएं, ये स्मृति दिलाते हैं बाबा, इस माया को तुमने हराया है, तुम कल्प कल्प के विजय रतन हो। याद किया करें मैं विजय रतन हूं, विजय होने लगेगी। इसी से संबंधित दूसरी स्मृति दिलाई, तुम कमजोर नहीं शक्तिशाली हो। बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे रूढ़िहान में बाबा को कहते हैं, बाबा ये समस्या आ गई, मुझे शक्ति दो। बहुत बच्चे बाबा से शक्ति मांगते हैं, बाबा याद दिलाता है, शक्ति दो नहीं, शक्तियां दे दी हैं, तुम्हारे पास हैं शक्तियां, अपनी शक्तियों को पहचानो। संकल्प करें जो शक्तियां शिव बाबा के पास हैं वो सभी उसने मुझे दे दी हैं। 1 मिनट लाल लाइट करेंगे, सभी इस फीलिंग में बैठेंगे, अपने को स्वीकार कराएं, मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं, कल्प पहले भी मैंने माया को जीता था। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो सभी मुझ में हैं, मैं शक्तिशाली हूं। अंतर मन में भर दें ये मन की आवाज, ये सत्य बात, मैं
सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। माया को चैलेंज किया है, काम क्रोध जैसे महाशत्रुओं पर विजय पाई है। मैं शक्तिशाली हूं, कल्प पहले भी मैंने इस माया को जीता था, अब भी मेरी जीत निश्चित है। सर्वशक्तिमान की संतान, मैं शक्तिशाली हूं। ओम शांति। याद दिलाया करें अपने को, सर्वशक्तिमान के बच्चे कमजोर नहीं होते। उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे प्रदान की हैं, वरदान दिया है। जो शक्तियां मुझ में हैं वो अब तुम्हारे पास। स्मृति स्वरूप रहें, अपने को याद दिलाएं। केवल याद दिलाने की बात है। एक लिस्ट बना लें सभी, कम से कम 10 स्मृतियों की। स्मृतियां बहुत हैं, लेकिन कम से कम 10 पावरफुल बातें जो हम भूल गए थे और हमें याद दिलाया बाबा ने, उसे लिख लें और याद किया करें।